प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मेट्रो दौड़ सकती है। प्रधानमंत्री वाराणसी को ये तोहफा देना चाह रहे हैं। ऐसे में बीएचयू आईआईटी के एक प्रोफेसर ने एक अनोखा मेट्रो मॉडल तैयार किया है जिससे मोदी का सपना साकार हो सकता है। काशी की जनता ने देश को प्रधानमंत्री दिया तो जनता प्रधानमंत्री से कई उम्मीदें लगाए बैठी है। इन उम्मीदों में से एक है मेट्रो सेवा, और इस मेट्रो सेवा का सपना पूरा करने के लिए वाराणसी के ही एक शख्स ने मॉडल बनाया है। बीएचयू आईआईटी के प्रोफेसर डॉक्टर सोमनाथ ने कम खर्च में सुविधाजनक सेवा के लिए ये मॉडल तैयार किया है। सबसे बड़ी बात जो इसके अंदर ये है कि ये इसके अंदर में कोई एडिशन फोर्स जो कि व्हील और रेल के बीच में जरूरी होता है कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी के लिए, उसके बिना वो पहिया जो है फोर्स में पैदा नहीं कर सकता, वो इसमें जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, इसके अंदर जो व्हील डायमीटर है कम कर देते हैं, तो जिससे जो कोच की हाइट वही रखते हुए टोटल टनल डायमीटर कम हो जाता है, और टोटल डायमीटर कम होने के बाद में तुरंत जो है उसकी जो कैपिटल कॉस्ट है टनलिंग की वो कम हो जाती है। प्रोफेसर सोमनाथ का दावा है कि इस टेक्नोलॉजी से बनारस का भला तो होगा ही, देश भर में भी इसे उपयोग में लाया जा सकता है। इतना ही नहीं, विदेश से आए लोगों ने भी इस टेक्नोलॉजी में रुचि दिखाई है। जैपनीज एसोसिएशन एक तरीके से 45 जो उनके इंडस्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशन है उनको मिलकर बना है, जिसमें हिटाची ऐसे लोग हैं, उनके जो वन ऑफ द चीफ इंजीनियर्स वो 2007 में आए थे खाली यहाँ पर उस टेक्नोलॉजी के बारे में देखने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर। और उनको बड़ा ताजुब हुआ जब उन्होंने देखा कि हमने 1977 में ही पीएचडी के दौरान हमने वो काम कर लिया, उनको ताजुब इतने पहले हो चुका था। उन्होंने यहाँ प्रेजेंटेशन दिया अपना, बाद में डिस्कशन हुआ, वो लोग बहुत ही इंटरेस्टेड हैं। वाराणसी में मेट्रो की दस्तक की खबरों से काशी वासियों के चेहरे खिल गए। जिन मार्गों पर मेट्रो चलाई जाएगी उन मार्गों पर निश्चित रूप से जो दबाव है ट्रैफिक का उसमें कमी आएगी, और आम जीवन जो यहाँ पर बाधित है वो सुचारू होगा, और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, और हम इसका स्वागत करते हैं एक वाराणसी के नागरिक की ओर से, और ये बहुत ही आवश्यक है, और इसका जितना विस्तार हो सके उतना अच्छा है। हम सबको बहुत सहूलियत होगी, स्टूडेंट्स को या कामकाज पे जाने वाले लोगों को, सबको बहुत सहूलियत होगी। कम समय में और कम पैसे में हम अपने गंतव्य को पहुंच सकेंगे। प्रोफेसर सोमनाथ की ये मेहनत मेट्रो को पटरी पर लाने के लिए खासी मददगार होगी। अब देखना ये है कि काशी की जनता को ये सौगात कब तक मिलती है। समय के लिए वाराणसी से सुशांत मुखर्जी।